हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। दोस्तों, हाजिर हूँ। करंट एनर्जी आपके पर्सन की क्या चल रहा है, उनके दिल और दिमाग में इस समय आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, किस फीलिंग में हैं, हम आज वो चेक करेंगे। ठीक है, तो रीडिंग जर्नल है, आपने ओपन माइंडेड होकर देखनी है। तीर्था पर भी आपने ध्यान नहीं करना है। जो चीज़ आपके साथ मैच करती है उसको रख लेना है, जो नहीं मैच करती है उसको वहीं छोड़ देना है। ठीक है, ये कार्ड पहले भी गिरा था, 111 111। मे बी मेरे व्यूवर्स को ये नंबर बहुत दिखता होगा। ये आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं। चले अभी बात करते हैं। लीजिए अपने पर्सन का नाम 3 बार और देखते हैं कि कौन से कार्ड्स आते हैं। यूनिवर्स, इस समय मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, गाइड कर दीजिए। पहले हम कार्ड्स लगा लेते हैं, ठीक है, फिर हम करेंगे इसके ऊपर बात। ये आपकी एनर्जी निकल कर आई है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ कप्स आया है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन मेरे को यहाँ पे कोई फीमेल एनर्जी लग रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई फैमिली फ्रेंड्स या कास्ट इशू ऐसे कुछ हो सकता है, लेकिन अभी मेरे को यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है वो किसी फीमेल की आ रही है। यस, देखो दो क्वींस आई हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड एम्प्रेस, ये आपकी एनर्जी निकल के आई है। हो सकता है मून कार्ड आया है, तो उनके मदर भी बीमार हो सकते हैं, घर में उनके कुछ प्रॉब्लम चल रही है। आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या आपके पर्सन की कहीं शादी फिक्स हुई है, या वो ऑलरेडी मैरिड है जिसके कारण वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स आया है, फैमिली कार्ड भी आया है, द फूल आया है। फूल की एनर्जी मेरे को यहाँ पे दिख रही है, इन एंड आउट करना, इन मेच्योरिटी दिखाना, ये बिहेवियर आपके पर्सन का हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट कार्ड। अभी मैं सारे कार्ड्स सेट कर देती हूँ। काफ़ी नाराज़ और काफ़ी परेशान लग रहे हैं इस समय आपके पर्सन। फैमिली का बहुत बर्डन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसके साथ भी आपके पर्सन हैप्पी नहीं है, काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे मैंने जैसे पहले ही बोला था, फीमेल एनर्जी मेरे को यहाँ पे फील हो रही है, जो उनको काफ़ी कंट्रोल करती है, काफ़ी स्टबर्न नेचर है, नेचर की है ये जो थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, दुनियादारी वो इस समय निभा रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे टेन ऑफ कप्स आया है, फैमिली कार्ड आया है। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। ठीक है, कुछ भी ज़बरदस्ती आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना है, राइट। जो मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, तो वो आपको इसलिए छोड़ के गए, वो अपनी फैमिली के लिए आपसे दूर गए। आपके पर्सन कि घर में उनके मदर बीमार हो सकते हैं, जिसके कारण वो काफ़ी अपने आप को घुटा सा फील करते हैं। आप थर्ड पार्टी से वो निकलना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। जब आप दोनों कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो हर सिचुएशन को आप बड़ी आसानी से आपके पर्सन आपके साथ मिलकर हैंडल कर लेते थे, इन चीज़ों को वो काफ़ी मिस कर रहे हैं। जिस थर्ड पार्टी के कारण उन्होंने आपको चुना, आपके ऊपर उनको चुना, वो थर्ड पार्टी अब उनके साथ नहीं है। ठीक है, कोई भी उनका साथ इस समय नहीं दे रहा है, वो काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, इस रिलेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों एक ही सेम वर्क प्लेस पर काम करते हों, जिसके कारण आप में ये जो प्यार है वो स्टार्ट हुआ। आपके पर्सन अभी भी आपको कहीं से चेस कर रहे हैं, ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं,
जो स्टार्टिंग में उनका बिहेवियर था इन एंड आउट करना, वो जैसे वो आते थे चले जाते थे, अपनी मर्जी करते थे, अपने इस बिहेवियर पे भी उनको काफ़ी शर्मिंदा है वो अपने इस बिहेवियर को लेके। जजमेंट कार्ड आया है तो यूनिवर्स आपको अपनी ब्लेसिंग दे रही हैं, आपके इस समय यूनिवर्स आपके साथ हैं। वो आपको सही या गलत क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे और आपके पर्सन को सही की ओर पुश करेंगे, ठीक है। तभी आपके पर्सन इस समय आपकी तरफ एक अट्रैक्शन सा फील कर रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स आया है, हो सकता है कि ये मई मंथ या जून मंथ में आप में से किसी का बर्थडे हो सकता है जो आप इकट्ठे सेलिब्रेट कर सकते हो। तीन नंबर दो बार आया है तो तीन नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हो सकता है थ्री मंथ्स हो गए आपको अलग हुए, या थर्ड मंथ मार्च में आपकी मुलाकात हुई हो, या लास्ट कॉल मेरे को लगता है कि आपकी मार्च में हुई होगी, ठीक। ये तो थी आपके पर्सन की अभी इस वक्त की करंट एनर्जी। तो हम पप्पा से भी गाइडेंस ले लेते हैं कि पापा हमें इस रिलेशन के लिए क्या गाइड करेंगे। कोई भी जो है आपके मन में कुछ भी सवाल है, हम पापा के कान में अपनी विश को बोल सकते हो, कोई भी मनोकामना है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि पापा आपको उसका क्या आंसर देते हैं। पापा प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कर दीजिए, बताइए उनको इस रिलेशन में अभी क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। कि वो जो सोच रहे हैं क्या वो सही है, गाइड कर दीजिए उनको क्या करना चाहिए इस समय अपने इस रिलेशन में। एक कार्ड निकालूंगी, ठीक है, गाइडेंस ले रहे हैं तो देखते हैं क्या आता है। दो कार्ड आ रहे हैं, अचीवमेंट, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो दो फीमेल की एनर्जी आई है, ठीक है, रिद्धि एंड सिद्धि, सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी। गणेश जी आपको बोलना चाहते हैं कि आपको जो पाथ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप उसको देखो और उसकी ओर बढ़ो, ठीक है। आपको डिवाइन के साथ काम करना है, डिवाइन के आगे सरेंडर करना है और उस रास्ते पे चलना है और सफलता को हासिल करना है। इस कार्ड को हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, ओके। तो कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, नंबर्स देख लेते हैं जो आपको काफ़ी पसंद है, तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ठीक है। कुछ भी रेजोनेट होता है तो उसको आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। लेटर पी बना है, लेटर टी है, नंबर ज़ीरो, ई है, नंबर फोर है, 40+ हो सकते हैं आपके पर्सन, एच है, बी, नंबर फाइव, 15 एज हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की, एल, एन, जी, देख लीजिए क्या बनता है उनके, कोई मंथ भी बन सकता है जब उनका बर्थडे हो। एन दो बार आया है, ए है, थ्री है, सिक्स, नाइन, वाओ, एंजल नंबर 369। हो सकता है कि एंजल्स आपको बोल रहे हों कि आपको इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करने की ज़रूरत है। नंबर 6 आया है, 16 एज हो सकती है, आर है, एफ है, नंबर 7, 37 आपकी एज हो सकती है या आपके पर्सन की एज हो सकती है, लेटर ई है और लेटर एस है, ठीक है। देख लीजिए कुछ भी अगर बनता है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। अगर आप वो नहीं लिख सकते हो, 369 आपको लिखना है और साथ में अपने मन के अंदर अफर्मेशंस बोलनी है, ठीक है, ताकि वो आपकी जो अफर्मेशन है वो पॉजिटिव हो जाए और यूनिवर्स की तरफ से कबूल हो जाए, ठीक है। 369 आपको ज़रूर मेंशन करना है। तो आपको अगर रीडिंग पसंद आई है, कुछ भी मैच हुआ है, तो आपको इसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना है।
खूब सारा पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, उदास नहीं होना है। कमेंट में ये भी नहीं लिखना है मैं ब्लॉक हूँ, मेरे लिए सब प्रेयर करो, नहीं। वो फिर सब ना वैसे ही सोचते हैं और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है, राइट? तो आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, ठीक है, लव यू ऑल।